हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट में हमने स्टार्ट किया था रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो पिछले लेक्चर में हमने एक रिएक्शन के बारे में कंप्लीट देखा था, वो थी हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। आज की हमारी सेकेंड रिएक्शन होगी, उसका नाम है सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, कि सल्फोनिक जो एसिड है वो बेंजीन के अंदर कैसे बनता है, मतलब कि जो सल्फोनेशन रिएक्शन। अब सल्फोनेशन रिएक्शन की एक प्रॉपर प्रोसेस होती है जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन की थी, तो नाम से ही पता लग गया कि इसमें बेंजीन की जो रिएक्शन है वो किससे होने वाली है, सल्फ्यूरिक एसिड से। जैसे नाइट्रेशन था उसमें किससे हो रही थी, नाइट्रिक एसिड से। तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ईजी टॉपिक है, एक बार रिमेम्बर करिए, एक बार देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सल्फोनेशन रिएक्शन, इट इज कैरीड आउट बाय रिएक्शन। अब इनमें क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, राइट डाउन द सल्फोनेशन रिएक्शन बाय स्टेप, इसके स्टेप में ही है सब कुछ। इट इज कैरीड आउट बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी। द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग। फोर मैकेनिज्म हैं जिससे कंप्लीट हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन होने वाली है। फर्स्ट रिएक्शन में आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, देन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, देन आगे जो प्रोडक्ट हमारा बचता है वो रिएक्ट करके फाइनल स्टेप की तरफ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, जनरेशन ऑफ एंड इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, इसके अंदर जो H2SO4 हमने यूज किया है, कंसनट्रेटर H2SO4, उसके दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे, देन बनाएंगे टू मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यूज करेंगे इसको। आगे इनकी रिएक्शन, आगे इनका जो यूज होगा वो आगे आने वाला है। स्टेप सेकेंड, अब इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया तो अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग टू फॉर्म कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन हो गई हमारी और ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट यहाँ पर बन गया जो आगे रिएक्शन में अपना रोल प्ले करेगा। अब इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में लॉस ऑफ प्रोटोन होगा। जो बेंजीन रिंग पे SO3 हमारा अटैच हुआ है, यहाँ से प्रोटोन का लॉस होगा, कार्बोकेटाइन लॉसेज से प्रोटीन फ्रॉम सल्फोनिक एनायन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमारा बन जाएगा ये SO2 H2SO4 रिमूव हो जाएगा। अब आएगी हमारी फाइनल स्टेप, ये जो प्रोडक्ट है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ। अब देखो, इसके साथ हमने रिएक्ट करवा दिया, अब करेगा इसके साथ रिएक्ट H3O-, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा क्या बने, प्रोटोन इज देन एडेड टू द बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू गिव फाइनल सल्फोनेटेड प्रोडक्ट। अब बनेगा हमारा जो फाइनल सल्फोनेटेड प्रोडक्ट है, सल्फोनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है, वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बस बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कौन कौन सी स्टेप्स होंगी। अब इसमें चार ही स्टेप है, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होगा, सेकंड होगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, देन लॉस ऑफ प्रोटॉन, देन फाइनल स्टेप होगी। तो बस इतना ही आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं हम, आगे जो रिएक्शंस दे रखी हैं उनके बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।